मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां दो सगे भाई व्यापारियों को करीब 8 करोड़ रुपए का चूना लगाकर रातों रात फरार हो गए। फिलहाल फरियादी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीपुरा में रहने वाले मुनव्वर पाटनवाला ने इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके साथ कुतुबुद्दीन और हुसैन दोनों भाइयों ने कारोबार के नाम पर पहले तो दोस्ती की और भरोसे में लेकर 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं फरियादी मुनव्वर पाटनवाला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों भाई कुतुबुद्दीन व हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी का नाम है कुतुबुद्दीन पंदाना वाला और उसका भाई है हुसैन पंदाना वाला। ये दोनों हमारे वहाँ पे आते जाते रहते थे, हमारे वहाँ पर आए, हमसे सामान खरीदा 40 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट चेक दे गए और रातों रात घर में ताला लगा के रात में 1:30 बजे कार द्वारा भाग गए। अब हम उनके घर पे गए तो हमें जानकारी लगी, जब हमने चेक बाउंस होकर हमारे पास वापस आए तो हमने इनसे कांटेक्ट करना चाहा तो मोबाइल बंद आए। इनके घर पे गए तो आस पड़ोस से ये जानकारी लगी, ये 25 से 30 लोगों के पैसे लेके भाग गए। तो सब वहीं पे खड़े थे जिन जिन के पैसे लेके भागे, तो कोई कहता मेरे 20 लाख, कोई कहता 25 लाख, कोई कहता 30 लाख, कोई कहता 50 लाख। तो सब का अगर जोड़ा जाए तो कुल मिला के 8 करोड़ रुपए लोगों को यहाँ से धोखा देके भाग गए। अब इनके रिश्तेदारों से इनसे कांटेक्ट करना चाहा तो कहता हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब इनके कुतुबुद्दीन पंदाना वाला जिसका ससुराल इंदौर में है, उसके ससुर को थाना सेंट्रल कोतवाली में बुलाया गया, वहाँ पे उनसे पूछताछ की गई तो वो कहते हैं कि हमारे को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, मगर हमें ऐसा शक है कि उनको टोटल जानकारी है। हमारा प्रकरण थाना सेंट्रल कोतवाली में दर्ज हो गया है। अब कोतवाली थाने द्वारा यह बोला गया है कि हम इस आरोपी को कैसे भी पकड़ के ला देंगे और आपके पैसे बरामद करा देंगे। वो सीसीटीवी भी दिख रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। रात में 1:30 बजे सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है उसमें कार से सारा सामान ऊपर लेते हुए, सारा सामान भर के जाते हुए दिख रहा है। जो फुटेज हमने निकाला आपको बताया गया, लोगों को लोग हमारे से तो सामान ले गए, बाकी लोगों से जो उनका फ्लैट था उनके फ्लैट की कीमत है कम से कम 20 लाख रुपये, तो उन्होंने लोगों को 15 लाख रुपये में सौदा करा और 15 लोगों से किससे 5 लाख किससे 10 लाख, जो बयाना पेटे शुरू में पैसे देते हैं वो पैसे लिए और वो उनके पैसे भी लेके भाग गए। बाकी 4 दिन बाद रजिस्ट्री कर देंगे, अब उसके पहले ही वो भाग गए। एक ही प्लाट को 15 लोगों को बेचा। इसमें मुनव्वर अली के आवेदन पर जांच की गई है और उसके बाद में ये स्पष्ट हुआ है कि कुतुबुद्दीन पथाना वाला जो कि इंदौर के रहने वाला है, इसके द्वारा कई व्यापारियों से पैसा लिया गया, पैसा माल के एवज में लिया है कि उसको एक संबंधित माल व्यापारियों को वापस के लिए देना था जिस पर उसने पैसा लिया है, उस पर से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है, सभी के स्टेटमेंट लिया जा रहे हैं, क्या माल था, कैसे पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, सारी चीज़ें उसमें लेकर और जल्दी गिरफ्तारी करके इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ये करीबन 10 इसमें अभी तक फरियादी सामने आए हैं जिनसे इसने पैसा लिया है, इनको धोखे में रखकर और अमानत में खयानत की है, जो सामान इसमें इसने भरोसा दिलाया था वो नहीं दिया है। तो ऐसे करके करीबन 10 व्यापारी हैं और उनके विस्तृत कथन इसमें लिए जा रहे हैं और उसके बाद जानकारी करेंगे। कोतवाली पुलिस के अनुसार फरियादी मुनव्वर ने बताया कि दौलतगंज में वो लोहे का कारोबार करते हैं और दोनों भाइयों ने खुद को कारोबारी बताकर उनसे दोस्ती की। इसके बाद माल लेने के नाम पर उधारी शुरू की और दोनों भाइयों ने उन्हें कारोबार में भरोसा दिला दिया। इसके बाद उधार लेना भी शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने कुछ रकम उधार भी ले ली। जब पीड़ित ने अपने रुपए मांगने के लिए कई बार फ़ोन किया लेकिन आरोपियों ने मुनव्वर का फ़ोन नहीं उठाया। फरियादी ने आरोपियों को उनकी दुकान पर जाकर देखा तो दोनों नहीं मिले। उनके घर पर जाकर देखा तो वहाँ भी ताला मिला, जिसके बाद फरियादी ने बाजार में अन्य कारोबारियों से बात की तो पता लगा कि इसी तरह से दोनों ठगोरे भाइयों ने कई लोगों को 8 करोड़ की ठगी की है, जहां आरोपी कुतुबुद्दीन व हुसैन ने देर रात एक कार भी चोरी की जिसमें रुपए व सामान रखकर जाते हुए पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी भाइयों की तलाश शुरू कर दी है।